अब आवाज तो आपने करारे कुरकुरे नाश्ते की सुन ही ली होगी। ये नाश्ता बनाया है मैंने दाल से, बस मैंने हलवाई की कुछ ट्रिक और टिप्स का यूज किया है, जिसकी वजह से जो हमारा ये नाश्ता है बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना हुआ है और इसके अंदर का जो मसाला है वो बहुत ज्यादा टेस्टी, क्योंकि इसके अंदर के मसाले को बनाने में मैंने यूज किए हलवाई वाले ढेर सारे ट्रिक और टिप्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसको दाल से बनाया है ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी बनी और बनाने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत टेस्टी रेसिपी है, जो इसका मसाला तैयार करेंगे वो भी बहुत टेस्टी है। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए तो इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चना दाल ली है, लगभग 1.25 कप जितनी होगी, या आप ग्राम में नापेंगे तो लगभग 80 से 90 ग्राम जितनी होगी। अब दाल में हम पानी डालकर 1 से 2 बार अच्छी तरीके से धुल लेंगे। दाल हमने अच्छी तरीके से धुल ली है तो अब इसमें डालेंगे लगभग 600 ग्राम जितना पानी और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 5 घंटे के लिए। 5 घंटे हो चुके हैं और दाल भी हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, तो बस अब इसको हम पीस लेते हैं। तो लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे 4 हरी मिर्च, इसको हम काट के डालेंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो। और अब लेंगे लगभग 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी काट के इसमें डाल देंगे। काट के डालिएगा, आसानी से पिस जाएगा। अब डाल देंगे इसमें हम दाल, तो मैं एक ही बार में पीस ले रहा हूँ, थोड़ा सा पानी का यूज करूँगा, आसानी से पिस जाएगी। अब दाल हमने डाल दी है तो इसको पीस लेते हैं। लीजिए दाल हमारी पिस के रेडी है, बस इस तरीके से पीसना है। आपको यहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी इसमें हम पानी और भी मिलाएंगे, तो आप पानी डालकर इसे पीस लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दाल को निकाल लिया है तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब पानी हमने दाल में अच्छी तरीके से मिला लिया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। जब तक बैटर हमारा सेट हो रहा है तब तक हम थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो लेंगे एक अदरक कूटने वाला कूटदान और इसमें डाल देंगे अदरक। यहाँ पर अदरक मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है। अब अदरक को हम अच्छी तरीके से कुचल लेंगे। कुचलकर अदरक डालने से क्या है, जो हमारा मसाला तैयार होगा बिल्कुल हलवाई जैसा होगा। अब फिर से हम ले लेते हैं अदरक कूटने वाला कूटदान और अब डालेंगे इसमें हम 5 हरी मिर्च, लेकिन इन हरी मिर्च को हम काट के डालेंगे, क्योंकि इसे हमें करना है क्रश। और अच्छी तरीके से क्रश करने के लिए आप इसको काट के ही डालें। तो आप यहाँ पर दोनों चीजें क्रश करके डालिएगा और फिर देखिएगा जो मसाले का स्वाद है और जो उसकी खुशबू है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर आपको हलवाई जैसा मसाला तैयार करना है तो कुचल कर ही डालिएगा। अदरक और हरी मिर्च अच्छी तरीके से कुचल लिए तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर एक कढ़ाई रख देते हैं। और अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म हो जाने देंगे। तेल धुआं उठने तक गर्म हो चुका है तो अब इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। तेल हल्का सा ठंडा हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे साबुत धनिया लगभग 1 टेबल स्पून जितनी होगी। इसी के साथ डालेंगे सौंफ लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना और डालेंगे यहाँ पर जीरा, ये भी लगभग उसी क्वांटिटी में डालेंगे, यानी कि 1/2 टेबल स्पून जितना। इसी के साथ डालेंगे इसमें हींग, हींग अच्छी वाली हो तो टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। इसी के साथ डालेंगे कुचली हुई हरी मिर्च और कुचला हुआ अदरक और बस थोड़ा सा इन्हें हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है तो बहुत कम भी ना, थोड़ा सा आप इसे भून लें। अब मसाले थोड़े से भून चुके हैं तो इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू, लगभग 4 मीडियम साइज के थे। इसी के साथ डालेंगे उबली हुई मटर और अब डालेंगे पिसे हुए मसाले। तो यहाँ पर हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर लगभग 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम, उसी क्वांटिटी में डालेंगे गरम मसाला और अब डालेंगे यहाँ पर 3/4 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार या लगभग 3/4 टेबल स्पून जितना ही, क्योंकि बाद में वैसे भी यहाँ पर हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें खटाई यानी कि आमचूर पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून जितना होगा। तो इसे आप जरूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली उसे आप स्किप मत करिएगा, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा और जो इसकी खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप बनाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसकी खुशबू पूरे घर में महक जाएगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक जो कि मैं उस समय डालना भूल गया था और अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ पर जब आलू गर्म हो जाएगा तो अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा। अब आलू अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं तो इसमें डालेंगे हरा धनिया और अब इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, आलू आप जितनी अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे उतनी ही आसानी से आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। तो इसे आप अच्छी तरीके से मैश कर लें क्योंकि इसके अंदर है मटर और मटर को थोड़ा सा मैश करना जरूरी है। अब आलू और मटर हमारी अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है, यानी कि जो हमारा मसाला है वो बनके तैयार है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बस इसी तरीके से मसाला बनाना है और ऐसे ही हलवाई वाले बनाते हैं। अब मसाला हमने प्लेट में निकाल लिया है और ठंडा भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो अब इसके हम बनाएंगे लड्डू इस तरीके से। अब यहाँ पर आप लड्डू अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो साइज आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे बनाइएगा। मैं तो बस इस साइज में बना रहा हूँ जैसे कि मार्केट में बनते हैं। अब लड्डू हमारे बन चुके हैं तो देख लेते हैं जो हमारी दाल है उसका क्या हाल है। लीजिए भाई दाल भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार और अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
बस आप यहाँ पर सिर्फ दो ही मसाले डालें, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो भी इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पर मसाला ही इतना टेस्टी बनाया है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको लगभग हम थोड़ी देर फेंटेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर सोडा को ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो जो हमारे आलू के बड़े हैं उनके ऊपर अच्छी तरीके से कोटिंग आ जाएगी। दाल हमने अच्छी तरीके से फेंट ली है तो सबसे पहले एक हम बड़ा ट्राई करेंगे कि अच्छी तरीके से सिक रहा है या नहीं। तो इसमें एक लड्डू डाल देते हैं और अब इसको अच्छी तरीके से लपेट लेते हैं। अब बड़ा हमने अच्छी तरीके से लपेट लिया है तो इसको डायरेक्ट गर्मा गर्म तेल में डाल देते हैं। लो भाई, पूरा का पूरा कैमरा ख़राब हो गया, चलिए कैमरे को पोंछ लेते हैं। हाँ भाई, अब ये हमारा अच्छी तरीके से दिख रहा है, बस ऐसे ही हमें सेंकने हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो हमारा बड़ा है वो कितना क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो बचे हुए बड़े हैं उन्हें डाल देते हैं, तो एक एक करके सारे के सारे बड़े डाल देंगे। हाँ, यहाँ पर जो मैं प्रोटिप आपको देना भूल गया था वो बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अगर आप मीडियम रखेंगे या मीडियम टू स्लो तो जो आपके बड़े हैं ना तो वो क्रिस्पी बनेंगे और तेल भी बहुत ज़्यादा पी जाएंगे, और जो हमारे बटाटा बड़ा है उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग है वो भी नहीं आएगी। और जो यहाँ पर तेल की क्वांटिटी लेनी है वो भी ज़्यादा लेनी है, यानी कि जो हमारे बड़े हैं वो अच्छी तरीके से डूब जाए उसमें, इतना तेल तो हमें कम से कम लेना ही है। और हाँ, इसे आप हाफ डन करके भी रख सकते हैं, जब भी कोई आपके मेहमान वगैरह आने को हो तो दोबारा इन्हें आप फ्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे और बिल्कुल गर्मा गर्म आप सर्व करिएगा। तो ये सीक्रेट ट्रिक और टिप्स सिर्फ आप ही जानते हैं कि उन्हें आप बासा खिला रहे हैं। वैसे अगर आपने मेरी ब्रेड भल्ला की रेसिपी ना देखी हो तो उसे देखिएगा, वहाँ पर मैंने हाफ डन करके बनाए हैं और बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं जैसे हलवाई वाले बनाते हैं। तो आप वो रेसिपी भी देखिएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल हमारे बटाटा बड़ा सिक चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं, और ये दाल के भी बने हुए हैं तो टेस्टी भी हैं और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, स्पाइसी भी हैं। तो भाई बहुत सारी खूबियाँ हैं इन बटाटा बड़ा में, तो एक बार तो इसे आप घर पर ट्राई करें। तो ये कोई सीजन की रेसिपी तो है नहीं कि नहीं आपको इसका इंतजार करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये दाल के साथ बटाटा बड़ा की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।